ये तो अभी हम जो ना कॉलेज घूमने के लिए अभी जा रहे हैं, तो आपको भी अपना कॉलेज दिखाते हैं। ये जो इनकी डमी गन्स है। आ गई लस्सी, लस्सी आ गई, लस्सी आ गई, लस्सी आ गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी मैंने ना नहा धो के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, तो आज है जी 14 अगस्त। तो मेरे कपड़ों से आपको अंदाजा हो ही गया होगा, वाइट और ग्रीन। तो मेरे पास वैसे कोई शर्ट थी नहीं 14 अगस्त वाली, तो ये पड़ी थी, तो मैंने कहा ये पहन लेते हैं। आज थीम व्हाइट और ग्रीन वाला, और साथ नीचे भी पैंट, मैंने मेरे पास व्हाइट शर्ट पैंट थी नहीं, तो मैंने जो है डार्क, जो है ना डार्क कह रही है, लाइट पैंट पहन ली। तो अभी मैं रेडी शेडी हो गया, तो अभी सिर्फ जूते वो रह गए पहनने वाले। मुजम्मल को मैंने मैसेज कर दिया था, वो रेडी हो रहा है और मौसम भी रेडी हो गया होगा, तो अभी निकलते हैं। तो पहले मैं जूते जो है वो पहन लूं। चले जी गाइस, जूते वगैरह जो है मैंने पहन लिए। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि हम जहाँ कर रहे हैं, तो अभी हम निकलने लगे बाहर और देखने के लिए 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस, और आपको भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। फिर अभी हम जाने लगे तो यहाँ पे लगा हुआ है लॉक, तो इसकी चाबियां जो है वो गुम हो गई हैं, तो अभी ढूंढ रहे हैं। जिस जगह हम रहते थे वहां पे थी नहीं, तो अभी देखते हैं कहां से मिलती हैं। चलो जी, चाबियां जो है मिल चुकी हैं। तो गए, अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ना हम लेट हो गए, तो मलक मौसम के इंतज़ार में, तो वो अभी किसी और काम में बिजी है। तो फिर मैं और मुजम्मल जो हैं वो निकल चुके हैं, तो अभी देखते हैं रास्ते में हमें क्या क्या मिलता है। और जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज समुद्री में। तो वहाँ में हर साल है ना परेड होती है, तो काफ़ी सालों से हमने देखी नहीं है। पहले बचपन में जाया करते थे अबू के साथ, तो फिर बाद में जाना ही छोड़ दिया था। तो अभी दोबारा जो है ना आज जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो 8:30 का टाइम था परेड का, तो अभी हम 8:30 निकल रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अभी हमें पहला और गैर हतमी नतीजा जो है वो मिल चुका है। ये सामने जा रहे हैं बाजे वाले, बाजे वाले अभी सामने जा रहे हैं। ऐसे करके बाजा बजाई, बाजा बजाई, बाजा बजाई हल्का बात तेरा बाजे ही हल्का जोर रही। तो अभी यहाँ पे पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, तो मलक मौसम की भी कॉल आ गई थी, तो वो कह रहा है कि कॉलेज ही जा रहा हूँ मैं भी, तो आप भी कॉलेज ही आ जाओ। तो अभी कॉलेज चलते हैं। तो अभी फर्स्ट जो है बाजे वाले मिल गए, तो अभी कोई भी नहीं है और मिल रहा। और तो इधर ये बच्चे जा रहे हैं रेडी शेडी होके, तो ये भी मेरे ख्याल कॉलेज ही जा रहे हैं देखने के लिए। वैसे तो हमें एक रैली के साथ भी जाना था, तो वो रैली जो है ना मेरे ख्याल लेट होगी, तो इसलिए हम पहले निकल गए। तो हमने कहा कॉलेज चलते हैं, तो वो वाला प्रोग्राम देखते हैं, तो रैली देखेंगे बाद में, चलते हैं वहाँ पे। कॉलेज का ये वाला गेट जो बंद है, तो दूसरे गेट से मैं खैर इंट्री हो रही है, तो उस गेट से चलते हैं। तो इधर से, तो इधर सारे बच्चे वगैरह ये चेक करें, बाजे लेके घूम रहे हैं, चेक करें गैंग, बाजे वाला गैंग। तो आज यहाँ पे बाजे वाले ना बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले हैं हमें। तो यहाँ पे जी अभी बाइक काम पे लगाएंगे, यहाँ तो रश काफ़ी ज़्यादा होगा, तो देखते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ पे। ओह कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, अभी बाइक कहाँ पे लगाएं, अभी लगा लेते हैं बाइक यहाँ पे कहीं पे। बाइक जो है मैंने वहाँ पे पीछे लगा दी है, तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह काफ़ी ज़्यादा लाउड है, तो हो सकता है व्लॉग ना करूँ मैं आपको, वैसे सिनेमैटिक्स में दिखा दूँगा। तो अभी मुजम्मल और मोहसन भी मिल गए हैं, क्या हाल चाल मरसा भाई, क्या हाल चाल? ये जी मोहसन साहब के कज़न है, तो अभी ये दोनों भी पहुँच गए, मुजम्मल भी यहाँ भी खड़ा चले। चलो भाई, रश ज़्यादा नहीं वैसे, मैं काफ़ी दिन बाद आ रहा था, पता नहीं जान लग रहा। तो सामने है ना, सामने जो है हो रहा है फंक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, तो सिनेमैटिक्स ही आपको दिखा गई। वैसे ये जो है प्रिंसिपल का ऑफिस है, आपको आज कॉलेज में अपना विजिट करवाऊंगा सारा। इंजीन परेड यहाँ से होने लगी है, तो ये लड़के वगैरह ना झंडे लगा के खड़े हैं, आप ही आपको दिखाता हूँ। बच्चों की परेड हो रही है वहाँ, इस साइड पे रश ज़्यादा, हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे रश कम है। तो यहाँ पे जी पानी है कि शिकंज भी है, लीमू वाला पानी, कौन सा पानी, सिंपल पानी में, यहाँ पे सिंपल पानी मेरा ख्याल मिल रहा है। और ये क्या लेके आ गए हो? बाजा। बाजा बड़ा स्पेशल बाजा पैसे, दोबारा फिर बजाना। मतलब
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो अभी गाइस जो परेड है थोड़ी सी लेट लग रही है, तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो पसीना बाप आ रहा है बस काफ़ी ज़्यादा। हवा वैसे चलने स्टार्ट हुई है अभी फिलहाल, बस काफ़ी ज़्यादा ऊपर बादल आए हुए हैं, तो यहाँ पे जब यह परेड तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है वैसे यहाँ पे। अभी सायरन बज रहा है, इसके बाद जो है परचम जो है वो ले लाया जाएगा। झंडा जो है वो ले रहा दिया गया। तो अभी तकरीबन जो है घंटा में यहाँ पे आके हो चुका है, तो अभी तक जो है परेड स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी फिलहाल रस्मी कार्रवाइयाँ चल रही हैं यहाँ पे, तो अभी फिलहाल परेड जो है स्टार्ट नहीं हुई। गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज है, तो हमारा तो वापस जाने का दिल कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो वापस चले गए, तो अभी देखते हैं कितनी देर लगेगी और नहीं तो फिर वापस ही चले जाएंगे। फाइनली परेड स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी दिखाते हैं आपको परेड भी। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. The same, I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. गाइस अभी परेड जो है खत्म हो चुकी है, तो अभी हम जो है ना कॉलेज घूमने के लिए अभी जा रहे हैं, तो आपको भी अपना कॉलेज दिखाते हैं। तो अभी मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रहा है, ऊपर बादल आ रहे हैं, और वैसे भी जहाँ पे हम गिर रहे हैं ना जहाँ पे दरख्त काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अभी आपको कॉलेज का ना जो विज़िट करवाते हैं। तो गाइस इस कॉलेज में हम ना पढ़ते रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, वो लिखा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो गाइस ये हैं क्लासेस वगैरह, तो यहाँ पे पहले प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता था, जो कि अब वहाँ पे पीछे बन गया, मैंने पहले भी दिखाया। तो ये क्लासेस हैं सारी, तो क्लासेस को मेरे ख्याल ताला वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है, तो यहाँ से दिखा देता हूँ। ये क्लासेस हैं सारी, यहाँ पे हम पढ़ते रहे हैं, तो अभी दिखाता हूँ। ये क्लास खुली हुई है, ये क्लास खुली, इबरत का निशान स्टूडेंट ने लिखा, ये क्लास है। तो मैं जो बैठा करता था ना, गेस करें मैं कहाँ पे बैठा करता था, ये फर्स्ट लाइन में बैठा करता है, सेकंड में बैठा करता, मैं बैठा करता था यहाँ पे ये वाले डेस्क पे, तो सबसे एंड पे वो सामने टीचर होते थे, हम यहाँ पे होते थे, ये डोर खुला होता था, तो मेरे साथ वाले यहाँ से भाग जाते थे, तो मैं नहीं भागता था। तो बाकी उस साइड पे जो है लॉक वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जी सारी लैब्स हैं बायो की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, तो वो तो अभी आपको दिखा नहीं सकते। तो ये सामने जो है आर्ट्स वालों का ब्लॉक है, तो यहाँ मैं फिर ये साइंस वालों का, यहाँ पे सामने जो है हॉकी का स्टेडियम है, कह रहे ग्राउंड है, और क्रिकेट का ग्राउंड है, तो वो भी इस तरह। तो ये जो है यहाँ पे पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो अभी लाइब्रेरी यहाँ पे ख़त्म करके वैसे ही उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया, लाइब्रेरी चली गई वो सामने। तो इस साइड पे जो है ना वो लैब्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है छोटा सा, तो अबू हुआ करते थे तब हम देखे थे, तो अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, प्रोफेसर वगैरह होंगे यहाँ पे। तो ये कंप्यूटर लैब है यहाँ पे, तो मुजम्मल भी यहाँ से ही पढ़ा, मलिक साहब नहीं पढ़ा, इधर से किया और ICS भी इधर से किया, मुजम्मल यहाँ से BSB की यहाँ से किया और ICS भी यहाँ से किया, तो ये नई लाइब्रेरी आ गई, अब मुजम्मल आगे जो है BS की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, तो मुजम्मल यहाँ से पढ़ा।
फातिमा जिला ब्लॉक। तो यहाँ पे एमए का जो मेरे ख्याल स्टूडेंट्स हुआ करते थे मेरे ख्याल से, तो ये बीएस ब्लॉक है, कायदे आजम ब्लॉक, और ये भी नया ही बना है और एक वो सामने बन रहा है। अच्छा, ये मैथ वाला क्लास है जो डिपार्टमेंट कह लें, तो यहाँ पे यहाँ मैथमेटिक्स है ये, और आगे मेरा ख्याल कंप्यूटर का होगा। इस तरह ना सारे डिपार्टमेंट सब बायोलॉजी के और बॉटनी के वगैरह के। गाइस कॉलेज आके ना अपनी पुरानी जो जाते हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा ना अच्छे दिन गुजारे हमने कॉलेज में, काफ़ी ज़्यादा ना चिल माहौल था हमारा। तो पढ़ाई में तो मैं ऐसे ही था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया कॉलेज लाइफ को। अबू के साथ बचपन में यहाँ पे आ जाया करते थे और यहाँ पे 14 अगस्त की परेड देते थे, और अबू यहाँ पे मुतासर रहा, शायद मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, तो अबू के साथ यहाँ पे सारी जो है रस्मात जो होती वो अटेंड करते थे। अभी फिलहाल जो है कॉलेज को छोड़े हुए हमें तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं। सामने जो है फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे परेड हुई थी, ये सामने स्टेज वगैरह लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं वापस, अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ। ये जो है इस्लामियत वालों का डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हम खेला करते थे, तो यहाँ पे पौधा अभी भी लगा हुआ है। तो दरख्त से मैं गिरा था यहाँ से, तो वो सामने जो है प्रिंसिपल का न्यू ऑफिस है वो बन चुका है। तो यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा होगा यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल चाल? अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या चाल? अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या चाल? ठीक ठाक। तो ये भाई हैं जिन्होंने यहाँ पे परेड की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी परेड थी, अब मज़ा आया। माशाल्लाह बहुत अच्छी, पता लगा ज्यादा गर्मी, हवा तो पता लगा था इससे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी आपकी बर्दाश्त है वैसे? बहुत ज्यादा ऐसी ही बात, ऐसी ही बात, बहुत ज्यादा गर्मी, 10-15 मिनट खिलौना बहुत औखा, घंटा 1.5 घंटा खिलौना होता। माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छी परेड थी, काफी ज्यादा मजा आया। ये देखे ये अभी लेटे थे यहाँ पे, तो ये इनकी गन है, डमी गन, ये जो इनकी डमी गन्स है, तो इनके साथ ये परेड करते हैं यहाँ पे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अभी अब हम आ गए यहाँ पे लस्सी पीने के लिए, आ गई लस्सी, लस्सी आ गई, लस्सी आ गई, लस्सी आ गई, होए 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 होए, जाग चेक करें इसके ऊपर, अभी पी के देखते हैं कैसी लस्सी है। नंबर चेयर्स, इस लस्सी की खास बात यह है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ग्लास काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये पी के नींद भी आएगी, तो मुझे जाके अभी ब्लॉग एडिट करना है, तो पता नहीं ये पी के अभी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती, लेकिन मजा आ गया, ठंड पे गई। ओके भाई, मतलब भाई ठीक है, शाम में मिलने फिर हैं। ओके गाइस, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो अभी पंखा भी मेरा आपको नज़र आ रहा होगा बंद है अभी, तो अभी मैं अपने शूज़ वगैरह उतार लूँ और थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, उसके बाद जो है मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ। ये ब्लॉग अभी एडिट करूँगा और अभी इशारा डालूंगा, कुछ प्लान है शाम के वक्त के, तो एक रैली निकल रही है हमारी बाइक रैली, तो वहाँ पर भी जाना है, तो वो फिर अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा वो रैली। तो मैं चाह रहा था कि ये जो ब्लॉग है ये आज आ जाए, और दूसरा जो मैं करूँगा वो फिर इंशाल्लाह कल आएगा। तो अभी जो है ना इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, तो उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत जो है ना पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, सुबह सुबह उठी हूँ और इतनी गर्मी में जलील भी हुआ हूँ, तो उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।